नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल कंप्यूटर मोबाइल एंड टेक्नोलॉजी में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम हेडिंग टैग यूज़ करेंगे जिसे एस से दर्शाया जाता है, ठीक है। तो हम आज सभी हेडिंग टैग को देखेंगे यूज़ करके, और साथ ही साथ पैराग्राफ्स, जो पैराग्राफ होता है सिंपली रूप से लिखा जाता है, उससे हम मैच करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, देखिए हम सिंपली रूप से HTML लिख दिए हैं, और उसके बाद बॉडी टैग भी यूज़ कर दिए हैं। उसके बाद दोनों बॉडी टैग के बीच में हमें ये जो जितने भी टैग होते हैं उसे लिखना होता है। तो चलिए हम लिखते हैं, H1 टैग यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर पे H2 जो टैग होता है उसे यूज़ कर लेते हैं। जितने भी टैग हैं मैं उसका आपको कंपेयर करके दिखा देता हूँ। ये इतने प्रकार के टैग हैं, इसे हमने लिख लिया है। तो देखिए अब इन टैगों के बीच में लिखते हैं, ठीक है। ये H1 टैग हमने यूज़ कर लिया है। अब इस दोनों मतलब जो हेडिंग टैग है, फर्स्ट H1 टैग, उसे लिखने के बाद, और ये जो क्लोज H1 टैग है, उन दोनों के बीच में हमें लिखना है, जो यहाँ पर दोनों ब्रैकेट ऑफ और क्लोज है उनके बीच में, ठीक है, यहाँ पर हमें लिखना है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं माई नेम, ठीक है। अब सेकंड टैग के दोनों के बीच में जैसे उसमें लिखे थे उसी प्रकार यहाँ पर लिखेंगे हेमचंद वर्मा, विथ फ्रॉम इंडिया, ठीक है। अब उसके बाद हम जो H4 टैग है, हेडिंग 4 टैग, ठीक है, उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं फ्रॉम इंडिया लिख दिए, एंड स्कूल साकेत, ठीक है। अब ये जो S6 टैग है, ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं इसके बाद हम पैराग्राफ का टैग यूज़ कर लेते हैं जिसे हमें कंपेयर करते बने। चलिए पैराग्राफ टैग यूज़ कर लेते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर हम लिख देते हैं ठीक है अब उसके बाद हम इसे सेव कर देते हैं। सेव कर दिए। सेव एज, यहाँ पर हम लिख देते हैं हेडिंग टैग, ठीक है, और डेस्कटॉप पे ही सेव कर देते हैं। अब इसे हम देखते हैं, यहाँ पर है हेडिंग टैग, ओपन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमने लिखा है H1 टैग, ठीक है, मतलब हेडिंग नंबर 1 टैग। तो यहाँ पर देखिए इसका जो साइज़ है ये बड़ा है, ठीक है, ये। अब उसके बाद सेकंड नंबर पे जैसे हमने हेमचंद वर्मा लिखा है, देखिए उसका जो टैग का जो मतलब जो साइज़ है, सॉरी, ये जो
फंड का जो साइज़ है वो छोटा है। तो ये हेडिंग लिखने का अलग अलग तरीका है। और देखिए हेडिंग में ये बोल्ड में है, ठीक है, जो इसका कलर है वो बोल्ड है। और उसके बाद तीसरा में फिर जो S3 जो टैग हमने यूज़ किया है यहाँ पास, वो उसका साइज़ देखिए ये छोटा हो गया है। उसी प्रकार जैसे ही आप बढ़ाते जाएंगे H1 से S6 तक जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे ही उसका साइज़ छोटा होते जाएगा। देखिए S6 का साइज़ ये बहुत छोटा है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए हमने पैराग्राफ लिखा है। देखिए पैराग्राफ सिंपली लिखा हुआ है, ये बोल्ड में नहीं लिखा गया है। देखिए यहाँ पर सिंपली रूप से लिखा गया है, बाकी ये जो टैग आप हेडिंग लिखे हैं वो बोल्ड में होता है। तो ये था कि हेडिंग टैग को कैसे यूज़ करते हैं। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।